नमस्कार मु दीपा दीपास ट्रेडिशनल किचन को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे सह कि नुआ टिप्स और कि नुआ उपाय छेना तरिया रेसीपी सेयार करी। आशा करूँ आपको यहाँ बहुत पसंद आसब। तो चलतु आम छेना तरिया प्रिपेरेशन स्टार्ट करवा। आम छेना तरिया मेन इनग्रीडियंट्स छेना। तो मुझे प्रथम छेना प्रस्तुत कर नौ। छेना प्रस्तुत करने मुझे गोटे लिटर क्षीर नहीं यहाँ आम गोटे बॉयल आसा पर्यंत अपेक्षा करवा। आमर गोटे बॉयल आसीगला देखिपे एवं विनेगर आड कर विनेगर नहीं विनेगर ना तो आपू रस नहीं पारे आपड़ विनेगर कि लेंबू डायरेक्ट आड करें से अल्प पा मिसेक आड करेंगे जहाद्वारा आम छेनाटी हार्ड हम ना आम छेना तरिया सॉफ्ट र। आपने देखिपे धीरे धीरे सबू छेना छिंडीगला आम कि समय थंडा हाँपाई छाड़देव। आम छेनाटी जिते समय थंडा होता भितरे आम सुगार सिरप सिरप प्रस्तुत करना। सिरप प्रस्तुत करने मुझे गोटे बड़ प्यान नहीं गैस फ्लेम को हाई रखी मु गोटे ग्लास रु कम पानी नहीं जाऊँगी। आमर पानी टिके गरम हो गलानी एबे किछि फ्लेवर पई गुजराती गुंड आड करना पा एठी मु चारिटा गुजराती नेछि। गोटे कप चीनी मु आड कर नउ छि। याकु आमे 3 रु 4 मिनट कुक हो पई छाडीबा। आपण देखि पाथिबे धीरे धीरे आम सुगर टी मेल्ट हो आसलानी। यहाँ आम 3-4 मिनट आउ कुक आपने देखी पारे थे आम सुगर सिरप कंसिस्टेंसी एबे आम गैस फ्लेम को ऑफ कर नबा। एठ मु गोटे चम्मच पाउडर सुगर नहीं 3-4 गुजरात को गुंड करके नहीं जाए। गोटे कप सुजी एवं गोटे कप मैदा नहीं छेना थंडा हो जाए मुझे छाणी की एमती नहीं जाए गोटे कना साहय एबे सब जिनस को आड कर नबा। आपन पाखे जदि पाउडर सुगर नहीं तो आपन चीनी को ग्राइंड करके नहीं पारे एवं सुजीर छोट दाना को नेबे। जदि आपन पाखे बड़ दाना सुजी अच्छे ताले आपन ताको ग्राइंड करके मध्ये नै जिवे। मु सब जिनस को धीरे धीरे आड कर सारे यहाँ आम भल से चकटी नबा एमती पापुली साहय भल से चकटे जहाद्वारा आम छेनाटी बहुत सॉफ्ट और मुलायम हम। आप देखिपे केमी मुझे चकटुची आपन से उपाय चकटे से पर्यटन चकटे जेपर्यंत आम छेनाटी पूरा प्लेट न छाड़ी एवं तार फैट रिलीज न होती। आप देखिपे केमी ऑयल छाड़ जाम छेनार एम छेनाटी परफेक्ट हो जा। आपण यहाँ 10 मिनट रेस्ट रखिपारे कि ऑप्शनल एथे मु अल्प खाइबा सोडा आड कर बेसी सोडा आड करें आउ थे आम भल से चकटी नबा। भल से चकटी सारे यहाँ रोल करके नहीं जाए आपन रोल न करमती स्मॉल स्मॉल पोर्शन नहीं करमी कले बहुत सहज हे एवं आम सब छेना तरिया सेप टी इक्वल रुमती छुरी साहय काटिकी नहीं जाऊँ गोटे स्मॉल पोर्शन नबा एवं एमती रोल कर नबा एमती गोल सेप नहीं एवं तार मुह को भल से सिल कर नबा एवं साइड गुड़ाक भल से साइज कर नबा। आप देखिपे केफेक्ट होम छेना तरिया आपण मानक आउ गोटे उपाय छेना तरिया देखा एमती प्रथम गोल करेबे टिके प्रेस करके चेप्टा करेबे तार साइड गुड़क साइज करेबे सेंटर गोटे होल करेबे। देखो के सुंदर होम छेना तरिया आपन को जोटा सहज लगे आप उपाय करें दुईट उपाय आपयार करें बाकी सब छेना तरिया को प्रस्तुत करे। आप देखते कते सुंदर होम छेना तरिया एबे आमे सब को फ्राए कर नबा। फ्राए करिया पई मु गोटे कढ़ई रे तेल देकी गरम कर रिफाइन तेल यूज करुच्ची आपन घी मध्य यूज करें जहाद्वारा आम छेना तरिया फ्लेवर टी बहुत भल आसिबो।
ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ୍ କୁ ମୁଁ ହାଇରେ ରଖିଛି। ଆମ ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସବୁ ଛେନା ତାଡ଼ିଆକୁ ଆଡ଼ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍ କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିନେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଫ୍ଲିପ୍ କରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଛେନା ତାଡ଼ିଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଛେନା ତାଡ଼ିଆର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛେନା ତାଡ଼ିଆଟି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଛେନା ତାଡ଼ିଆର ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆମର ଛେନା ତାଡ଼ିଆଟି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ମୁଁ ସବୁ ଛେନା ତାଡ଼ିଆକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ସୁଗାର ସିରପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସୁଗାର ସିରପ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେଇଛି। ଆମର ସୁଗାର ସିରପ୍ରେ ଗୋଟେ ବଏଲ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ଛେନା ତାଡ଼ିଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଛେନା ତାଡ଼ିଆଟି ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଛେନା ତାଡ଼ିଆଟି ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଜୁସି ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଟ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମ ଛେନା ତାଡ଼ିଆଟି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।